देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। जालौर के बागरा थाना क्षेत्र में धानपुर मोड़ पर देर रात हुए सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में जांच करने के बाद पुलिसकर्मी वाहन में सवार होकर सेवड़ी गांव से वापस लौट रहे थे कि तभी संतुलन बिगड़ने से गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान भरतपुर निवासी कांस्टेबल जितेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जबकि ASI प्रेम सिंह पडिहार सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जालौर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बीच रास्ते में ही घायल ASI प्रेम सिंह ने भी दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी का इलाज अभी जारी है। सूचना के बाद पुलिस उपाधीक्षक अमर सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें, जालौर में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पेड़ से टकराकर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और उसके बाद एक कांस्टेबल की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। वहीं अस्पताल जाते समय एक ASI ने भी दम तोड़ दिया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटे हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए वन संवाददाता मांगीलाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मांगीलाल, क्या था ये पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये कोई धोखाधड़ी के मामले में जालौर कोतवाली में कोतवाली से ये भिनमाल के सेवड़ी गांव में कोई तफ्तीश करने गए थे और वापस लौटते समय भिनमाल जालौर रोड के पर जो ये लग्जरी गाड़ी थी वो तेज गति होने के कारण आगे जो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और पेड़ टूट गया और उसके कारण गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें एक ASI और एक जो कांस्टेबल है उसकी मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया था और घायल को जो जोधपुर रेफर करते समय बीच रास्ते में मौत हो गई थी। तो कुल तीनों की मौत हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस कर्मियों को जो SP केसर सिंह सहित आला पुलिस अधिकारियों ने रिजर्व पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी और उसके बाद में उनके जो शवों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जी ज्योति जी मांगीलाल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।